والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूलुल्लाह बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के एक अजीम वली, एक अजीम शख्सियत की याद में हम जमा हुए हैं। और सुभान अल्लाह, मुफ्ती बकारुद्दीन साहब का उर्स भी है और गौसे आजम की ग्यारहवीं भी है। यानी अल्लाह वालों का जिक्र है, और अल्लाह वालों का जहाँ जिक्र होता है ना, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होता है। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तेरे प्यारों का जिक्र कर रहे हैं, तुम उन पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा। मुफ्ती बकारुद्दीन साहब से यूँ भी मेरा ताल्लुक यूँ रहा, यानी इल्म के लिहाज से भी और तरीकत के लिहाज से भी। अमीर अहले सुन्नत हम सबके पीरों मुर्शिद खुद फरमाते हैं कि मैं कई साल, 20 साल मुफ्ती बकारुद्दीन साहब की बारगाह में हाजिर होता रहा, उनसे मसाइल पूछता रहा, इल्म दीन सीखता रहा। तो जिससे हमारे पीर ने फैज लिया हो, वो हस्ती हमारे लिए कितनी अजीम होगी। अच्छा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह उस जामिया से पढ़ा, दरस निज़ामी करने की शहादत मिली दारुल उलूम जदिया से। तो मुफ्ती बकारुद्दीन साहब वहाँ के उस्ताद रहे, वहाँ के बड़े शेखुल हदीस में से आपका शुमार होता है। फिर आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती साहब का फैजान दारुल उलूम जदिया पर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ के तालिबे इल्म रहे। तो हमारे उस्तादों में हम कहेंगे, हमारे शुयूख में कहेंगे। तो आज इस हवाले से भी जिसको आप कहते हैं कि बंदा बड़ा ब्लेस्ड फील करता है, अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि क़िबला मुफ्ती बकारुद्दीन साहब के उस में और उनकी याद में महफिल में बयान की शहादत हुई। मैं उनकी सीरत को पढ़ रहा था, कमाल की सीरत है, बड़ी स्ट्रगल है आपकी सीरत में। आपने दरस निज़ामी जब बरेली शरीफ से किया, तो आपके असातिज़ा में और ख़ास तौर पे बड़े ही मुशफिक और बड़े हिस्सों पर तवज्जो में रखा सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब से आपने बड़े असबाब पढ़े, और इतने काबिल थे दौरान तालिबे इल्मी से ही। मैं पढ़ रहा था कि आपने जब हिदायत शरीफ का इम्तिहान दिया, तो आपके जो उस्ताद थे वो कहते थे कोई बच्चा ऐसा लिख ही नहीं सकता, इसने नकल ही की। इतना एक एक जुमला, एक एक जुजिया, एक एक मसले को इतना आसान तरीके से पूरा खोल के बयान किया। हालांकि अभी बड़ी छोटी हिदायत और अपनी राबिया खान साहब पढ़ाई जाती है, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे जरा मसायल को लिख देना, लगता ऐसा है जैसे किताब सामने रखकर लिखा है। जब ये मसला मुफ्ती अमजद अली साहब के पास गया, सदर शरिया कहते हैं मैं इसको जानता हूँ, ये इतना काबिल है, ये जो लिखा है हाफिज़े से लिखा। बचपन से ही अता की, और उसके बाद कई मुनाजरे किए, बांग्लादेश तशरीफ ले गए। बांग्लादेश से 1971 में जब हालात खराब हुए, तब पाकिस्तान हिजरत की, और उसके बाद माशाल्लाह दारुल उलूम अमजदिया को फैलान दिया। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का जो बरकतें हैं हम सबको नसीब फरमाए। आज हम अल्लाह के वलियों पर कुछ बात करते हैं, कुछ गलत फहमियाँ भी दूर होंगी, मजीद औलिया अल्लाह के बारे में भी पता चलेगा कि इनसे क्यों ना मोहब्बत की जाए। एक बात समझ लें, विलायत जो है ना, ये कसमी नहीं है, ये वहबी है। इसको आसान कर देता हूँ, विलायत मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर। ऐसा नहीं है कि विलायत का कोई कोर्स है कि इतने रोजे रखो, इतने सजदे करो, इतने नफल पढ़ो, तब जाके वली बन जाओ। नो डाउट इबादत अल्लाह का कुर्ब जरूर अदा करती है, मगर रब जिसे चाहे अपना वली बनाता है। दुनिया का भी दस्तूर है ना, आप दोस्त किसको बनाते हैं, जिसके लिए आपका दिल चाहता है। हालांकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बंदे के साथ जिंदगी में भाई रहता है, मगर वो दोस्त नहीं बनता। और एक बहुत दूर रहने वाला बंदा होता है, थोड़ी सी मुलाकात होती है, वो दोस्त बन जाता है। तो दोस्ती जो है दुनिया में भी, जिसको दोस्त बनाना होता है वो अपनी मर्जी से बनाता है, उसके लिए कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता। तो विलायत जो है उसके लिए कोई कोर्स नहीं है। हाँ, दो शर्तें जरूर उलमा ने बयान की कि वली फासिक नहीं हो सकता, अल्लाह का नाफरमान भी हो और अल्लाह का दोस्त बने ये पॉसिबल नहीं। तो शरीयत का पाबंद ही वली बनता, पहली बात याद रखिए। पहला पैमाना ही शरीयत है। और मैं ये बात आपको फुकहा के अखबार और बड़ी बड़ी किताबों के हवालों के साथ दे रहा हूं, यानी उसका निचोड़ बयान कर रहा हूं। दूसरी बात जो शर्त है बड़ी होने में कि अल्लाह
वली वही बनता है जो आलिम होता है, ठीक है। तो अब ये जरूर है कि हो सकता है किसी के मदरसे ना पढ़े हो, लेकिन अल्लाह ताला जब विलायत अता फरमाता है तो साथ इल्म भी खुद ही अता फरमाता है। हमारे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये मदरसा वली थे, पैदाइशी वली थे, तो अल्लाह पहले इल्म अता करता है और साथ ही विलायत भी अता फरमाता है। रब के खजाने जिसे चाहे अता फरमा। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अला मशगूल रहे और उसका दिल नूरे जलाले इलाही की मारिफत में मुस्तबरक रहे, यानी उसका दिल अल्लाह की याद में रहे। फरमाते हैं एक और जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन औलियाउहू इल्लल मुत्तकून, ईमान औलिया तो परहेजगार ही हैं। यानी मैंने पहले बात की थी, शरीयत का मुखालिफ वली नहीं बन सकता। कुछ लोगों ने अजीब फिनोमेना बनाया है, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, ये बेवकूफी है, ये गलत बात है। तरीकत शरीयत की पाबंद है, वो तरीकत ही दुरुस्त नहीं है जिस पर जिसका शरीयत पर अमल नहीं है। तो बहरहाल मुफ्ती अहमद या खान नहीं भी फरमाते हैं कि कोई काफिर और कोई फासिक ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो बहरहाल मेरे बच्चे इस्लामी भाइयों, वली के हवाले से ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि सुने तो ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है मेरा बंदा फ़राइज़ की अदायगी के जरिए जितना मेरा कुर्ब हासिल करता उसकी मिसल किसी दूसरे अमल से हासिल नहीं करता। ये बड़ी अहम बात है। बहुत सारे लोग बहुत सारे वजीफे पढ़ रहे होते हैं, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते। फर्ज पहले है। आप सुने या नहीं सुना हो कि बंदा जितना अल्लाह का कुर्ब फ़राइज़ के जरिए करता है उतना किसी और चीज के जरिए नहीं करता। यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं, जब वो मर्तबा पा लेता है, तो सुनो रब क्या फरमाता है कि मैं उसका कान बन जाता हूं जिसके जरिए वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो उसे जरूर देता हूं, अगर वो मुझसे पनाह तलब करे तो मैं उसे पनाह देता हूं, मुझे किसी काम पे तरद्दुद नहीं। अल्लाहु अकबर। यदि इस बात का जो जूस मैंने आपको सुनाया, इससे पता चला कि औलिया अल्लाह का मर्तबा क्या है। वो इस मर्तबे पर पहुंच जाते हैं कि रहमत इलाही ऐसे शामिल हो जाती है जब अल्लाह के नूर से देखते हैं, उनका हर अमल अल्लाह की रहमत के साथ शामिल हो जाता है। इस्लामी भाइयों, अब इससे सीखने को दो बातें मिली। एक तो अल्लाह ताला के जो वली होते हैं उनके कमालात, जब उनकी वाकयात उनकी करामतें सुने तो इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हदीस बाद में आ गया ना, और ये हदीस मैंने आपको बुखारी शरीफ की सुनाई है। अल्लाह फरमा रहा है उनके हाथ बन जाता हूँ, कान बन जाता है, यानी मिसाल के लिए कहा गया कि उसकी रहमत उसकी बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से उनके शामिल हाथ हो जाती है। अब वो हाथ उठाते हैं, हम हाथ उठाते हैं तो दो फिट डूब जाता है। अल्लाह के वली हाथ बढ़ाए तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैजान जारी कर देते हैं, इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। सुभानअल्लाह। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं, अहादीस में मौजूद हैं। कंफ्यूजन क्या होती है कि यार ये वलियों की बात करते हैं साथ करामतों की बात करते हैं, तो करामत कहां से आ रही है। कुरान मजीद ने बड़ा मशहूर वाकया, दो वाकया तो तकरीबन बच्चे बच्चे को बताया, ठीक है।
ठीक है ना, कि हजरत आसिफ बिन बरखिया ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे, नबी भी नहीं थे। और हजरत सुलेमान ने कहा था कि कौन है कि उनके सभा से तख्त बिल्किस को लेकर आ जाए। शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद और ये इकरामत फजाए बयान
पूछते हैं कि हुजूर हमें इनके अमाल तो बताएं, ऐसे कौन से अमल किए होंगे, हम भी वो अमाल करने की कोशिश करें। हदीस पाक का खुलासा, प्यारे आका ने साहब सलाम फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो बगैर रिश्तेदारी और लेन देन के महज अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह की कसम उनके चेहरे रोशन होंगे और वो नूर के मिंबरों पर जलवा कर होंगे। जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे उन्हें कोई खौफ ना होगा, जब लोग गमगीन होंगे तो उन्हें कोई गम ना होगा। और अब नबी पाक ने वो आयत तिलावत की, अला कोई मकसद नहीं, रिश्तेदारी नहीं, लेन देन के लिए नहीं, फकत अल्लाह की रिजा के लिए। आज ये वस्फ बड़ा कम हो गया, मतलब की दुनिया हो गई है। सलाम भी बंदा उसको करता है जिससे कोई काम हो, तबीयत भी उसी की पूछता है जिससे कोई ना कोई जरा रिश्तेदारी हो, कोई मतलब निकलता हो, वरना पैरों को कौन पूछता है। मर्तबा देखो, ऐसा मर्तबा होगा कि नूर के मिंबरों पर कयामत के दिन बिठाया जाएगा। अच्छा, ये जो खूबसूरती है ना इस्लाम की, अल्लाह की रिजा के लिए दूसरे से मिलना, ये आपको इस तरह के इस्तेमाल में मिलेगी। आज क्यों आए हो? शायद हमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन तक कोई रिश्तेदार अगर नहीं आया, कोई कारोबारी मकसद नहीं है, हम सब आए हैं एक दूसरे से अगर मिल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं तो अल्लाह के लिए। ये महफिल नाम इज्तिमात मदनी काफिले, ये नेकी की दावत के जो काम है, ये वो काम है जो अल्लाह को इतने पसंद है कि बंदे अच्छा इसके पीछे और करें। अल्लाह की हिम्मत रब जानता है, लेकिन अगर लॉजिक तलाश करें तो गोया रब को भी ये मतलब, जिस रब को भी ये समझिए कि उसकी रजा ये है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, फकत मतलब के लिए ना मिले, वैसे भी एक दूसरे को टेक केयर करें। जब ही आपने देखा होगा कि सलाम को आम करने के बड़े फजाएं बयान हुए और सलाम को आम करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके दिल से तकब्बुर जो है वो दूर हो जाता है। जिसको जाने उसको भी सलाम करें, जिसको ना जाने उसको भी सलाम करें, तो ये नबी पाक की सुन्नत है और ये सुभान अल्लाह शरीयत को मतलूब है। तो आइए नियत करें कि हम अपने भाइयों से जाने ना जाने मोहब्बत में मिला करें, सलाम किया करेंगे, खैरखाही करेंगे, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी खूबसूरत तहरीर मैंने पढ़ी, आपको सुनाता हूँ, आपका भी इंशाअल्लाह ईमान जो है ताज़ा होगा कि अल्लाह वालों का जो मर्तबा है, और फिर सुभान अल्लाह हमारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का क्या आलम है। सुभान अल्लाह, दूर बार पढ़े सल्लु अला हबीब। तो आम मुसलमान जो होते हैं उनका जो मकाम खत्म होता है ना, जब एंड होता है, फरमा वहां से सालिहीन के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है, और सालिहीन के मकाम की इंतहा जहां होती है वहां शहीदों के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। फरमा जब शहीदों के मकाम की इंतहा होती है ना, वहां सिद्दीकों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां सिद्दीकों का स्केल मकाम खत्म एंड होता है, फरमाया वहां नबियों के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है। जहां नबियों के मकाम की इंतहा होती है, फरमाया वहां रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, लिखा कि वहां उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इब्तिदा शुरू होती है, और जहां उलुल अज़म जो रसूल हैं उनके मकाम की इंतहा होती है, वहां हबीब खुदा अहमद मुजतबा खलक से औलिया, औलिया।
कि शेख उल इस्लाम हजरत सैयदना ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा वली जिससे करामत का ज़हूर ना हो, कभी कभी वो साहिबे करामत वली से भी अफ़ज़ल होगा। यानी जरूरी नहीं है कि वली है वो करामत दिखाए, बल्कि अल्लाह के कई वली तो औलिया ऐसे हैं जिनको खुद भी पता नहीं होगा कि हम अल्लाह के वली। कोई नंबर प्लेट थोड़ी मिलती है, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है कि आप मेरा इस मरतबे में वली बन गए। अल्लाह के वली अल्लाह के औलिया को ये रब की रजा देखे कि उसने बंदों में छुपा के रखा। हमें नहीं पता इस वक्त इस मस्जिद में कितने औलिया बैठे, हमें नहीं पता। जब ही तो कहा गया ना कि हर बंदे से इज्जत से मिलो, प्यार से मिलो, तुम्हें नहीं पता तुम जिससे बात कर रहे हो उसका अल्लाह की बारगाह में क्या मरतबा है। अपने मुलाजिम के साथ जो गलत अंदाज से बात करते हैं, लड़ते हैं, झाड़ते हैं, डांटते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, गरीब मुसलमानों के साथ, बल्कि रिवायतों के अल्फाज सुनना होता है, अब जरा गौर करना आपको वो लोग याद आएंगे। रिवायतों में लिखा ऐसे लोग परा गंदा बाल, पुराने कपड़े पहने हुए, जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, महफिल में ना आए, कोई याद ना करे, जिनको कोई पूछे ना, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका मर्तबा ये होता है कि किसी चीज पर कसम उठा ले तो अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। अल्लाह के वली भी कमाल के थे, कहते हैं मैं आपको एक वाक्य सुना, वो बुजुर्ग बादशाह का वाक्य
कहते मेला था, उस मेले में गधे को लाया गया, गधे की आंखों में बांधी गई पट्टी और लोगों का सामान जो था ना, एक बैग यहां से उठा के किसी के आगे रख दिया, उसका बैग उधर रख दिया, सामान पेश कर दिया। अब गधे को कहा गया कि बताओ किसका सामान किसका है। अब गधा क्या करता, पहले बैग पे सर लगाता, तो जिसका सामान होता उसके पैर पे सर लगाता। लोग कहते वाह भाई, अब गधे ने बता दिया किसका बैग किसका। फिर वही वाला सेब उठाया, बादशाह को दिया, कहा अगर हमने ये सेब तुम्हें दे दिया तो गधे से बढ़कर क्या काम किया, और ना दे तो अल्लाह के वली नहीं है। वो दिलों के हाल जानते हैं, याद रखो। अभी उन लोग अल्लाह वालों का ध्यान नहीं दिया जाता। करामत ये जरूरी नहीं है, आप इस्तेकामत देखें, हमेशा उस बुजुर्ग का दामन थामे कि आप देखें वो शरीयत का पाबंद है, वो सुन्नत का पाबंद है, अल्लाह के नबी का आशिक है, औलिया सहाबा अहले बैत का दीवाना है, वो हमारे सर का ताज है। हमें उसी का दामन थामना जो बा अदब है, हमेशा याद रखना बा अदब बा नसीब और बे अदब बद नसीब। हमें बे अदबों के अल्लाह ताला शर से हमेशा महफूज फरमाए, और हमें बा अदब और सुभान अल्लाह मुबारक हो, ये जो अहले सुन्नत वाले हैं ना, उनको अल्लाह ने कमाल का दीन दिया, कमाल का अकीदा दिया, कमाल की जिसको कहिए कि शहरा दिखा दी है कि हमें अल्लाह के रसूल से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है, सहाबा